नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन छोटी मोटी पार्टियों के अलावा कई जगह निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। हालांकि बहुत सारे चेहरे अभी सामने नहीं आए, कारण दिल्ली में 25 मई को सातों सीटों पर मतदान होने हैं और अभी नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब नामांकन हो जाएगा तब तस्वीरें साफ होगी कि दिल्ली के सातों सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के अलावा और कौन कौन उम्मीदवार हैं। क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और चुनाव प्रचार में जुट भी गई है, लेकिन साउथ दिल्ली लोकसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहा है और वो चुनाव प्रचार में जुट भी गया है। कौन है वो प्रत्याशी, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस वादे और दावे के दम पर चुनावी मैदान में उतरा है, आइए आपको बताते हैं। ये है राजन सिंह, ये थर्ड जेंडर है और साउथ दिल्ली में ही रहते हैं। ये आर्यभट्ट कॉलेज से पास आउट हैं और वहां से चुनाव जीतकर सचिव पद पर विराजमान रह चुके हैं। राजन सिंह 2014 में चर्चा में आए थे। उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा वीरता पुरस्कार दिया गया था और उनकी फोटो पेपर और टीवी में दिखाई गई थी। अब राजन दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जिसके लिए वो अभी से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वो रोजाना सुबह में नंगे पांव ही अपने साथियों के साथ डोर टू डोर पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों को अपनी गारंटी कार्ड का पर्चा दे रहे हैं। इस पर्चे में उन्होंने कई वादे किए हैं, जिसमें बुजुर्गों को चुनाव के 3 महीने बाद से ही पेंशन देने और युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। वो लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। राजन सिंह ने राजनीतिक पार्टियों पर थर्ड जेंडर को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी थर्ड जेंडर को इंसाफ नहीं मिला। संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, थर्ड जेंडर को क्यों नहीं? साथ ही मेट्रो बस, ट्रेन, शौचालय इत्यादि में महिलाओं, सीनियर सिटीजन के लिए अलग सीट होती है, थर्ड जेंडर के लिए क्यों नहीं? हम कहां जाएं, जबकि हम भी इंसान हैं, हम भी वोट देते हैं, लेकिन सभी पार्टियां हमें उच्च सदन में भेजना ही नहीं चाहती। उन्होंने साउथ दिल्ली के दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये कई साल से विधायक हैं, लेकिन उन्हीं के इलाके में लोगों का बुरा हाल है। नाली, पानी, सीवर, हर तरह की समस्याएं हैं वहां। ये दोनों बदमाश लोग हैं और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इसलिए इस बार दक्षिणी दिल्ली के मतदाता पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट देंगे, जिसके लिए उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। राजन सिंह, आप चुनाव लड़ रहे हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से, क्या मुद्दे हैं और क्योंकि एक ट्रांसजेंडर हैं, आप क्यों चुनाव लड़ने की आपको ये सूझ आ गई और चुनाव लड़ रहे हैं? आजादी के 75 वर्षों बाद दिल्ली में मैं पहली बार लोकसभा में कोई थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कोई भी बड़ी पार्टी आज तक यही नहीं सोच पाई कि हम लोग जिंदा लोग हैं। अगर हम लोग जिंदा होते तो कभी तो कोई हम लोगों को पार्लियामेंट का टिकट देता, कभी तो कोई हम लोगों को राज्यसभा भेजता, लेकिन कोई भेजता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम लोग जिंदा ही नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिंदा हैं। देखिए, हम लोगों का 2 आँख 2 हाथ 2 पाँव है, हम लोग इसी देश के नागरिक हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी वोटर हैं और हम लोग तो आपके घरों में सबसे ज़्यादा बधाई देते हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा दुआ देते हैं। तो सर जी, मैं जो दक्षिणी दिल्ली से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और देश में पहली बार दिल्ली के अंदर लोकसभा में ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हूँ, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमने एक गारंटी कार्ड बनाया है, इस गारंटी कार्ड में सही चुने लिखा है और इसमें हमने कुछ गारंटी दी है लोगों को। ये गारंटी है कि अगर आपने हमें चुना तो हम लोग सबसे पहले 3 महीने में जितनी महिलाएं हैं, जितनी वृद्ध महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उन सभी को पेंशन दिलाएंगे, उसके बाद उन सभी को युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। आज हमारे को अस्पताल में देखिए सर जी, मेल वार्ड और फीमेल वार्ड होता है, ट्रांसजेंडर का वार्ड क्यों नहीं है? आप ये सोचिए सर जी, हम एक ऐसा जिंदा लाश है जिसके लिए अस्पताल में बेड नहीं है और यहाँ तक शौचालय भी नहीं है सर जी।
महिला और पुरुष के लिए शौचालय है, हमारे लिए शौचालय भी नहीं है सर जी। इसके अलावा हमारे लिए स्कूलों में जगह नहीं है सर जी, हमारे लिए कॉलेजों में जगह नहीं है, हमारे से लोग घृणा करते हैं। मेट्रो में आपने देखा है ना, मेट्रो के अंदर में लिखा रहता है पुरुष के लिए अलग जगह, महिला के लिए अलग जगह। हम लोग कहाँ बैठे सर जी? क्या हमारे लिए ये देश नहीं है? आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो सरकारें, जो पार्टी ये दावा करती हैं कि हम लोग ट्रांसजेंडर से सहानुभूति रखते हैं, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हम लोगों को अधिकार चाहिए। हम लोगों को अधिकार दो, हमारे को भी आरक्षण दो, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया है संसद और विधानसभा में भेजने के लिए। क्यों नहीं आरक्षण देते हो? हमसे वोट लेते हो, हमसे आशीर्वाद लेते हो, क्या हम लोग आपके इस देश के नहीं हैं? आप देखना दक्षिणी दिल्ली में तो जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ ना, बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार कर रहे हैं मुझसे, और सबको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और सब लोग कहते हैं कि इस बार आपको वोट देंगे, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी संगम विहार, देवली, अम्बेडकर नगर, तिगड़ी, तुकलकाबाद, बदरपुर, यहाँ पर पानी की समस्या, सड़क की समस्या, रोड की समस्या है। ये जो दोनों प्रत्याशी खड़े हैं आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से, इनके तो अपने जिस ब्लॉक में ये रहते हैं वहाँ पर नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं, साफ नहीं कराते, वहाँ पर तो लोग पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। तो इस बार एक बार आप लोग मेरे को वोट दें, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ 75 सालों में ये मौका आया है कि हमारे दिल्ली में मैं थर्ड जेंडर के रूप में खड़ा हूँ, लेकिन मैं थर्ड नहीं रहूँगा। आप लोग एक बार मुझको चुन के देखिए, मैं थर्ड से आपका बेटा फर्स्ट, आपका बेटी फर्स्ट, आपका भाई फर्स्ट बन जाऊँगा, आपकी बहन फर्स्ट बन जाऊँगा, और आप लोगों के लिए ही काम करूँगा, और आपसे मिलने वाला एक एक वोट मेरे लिए स्वाभिमान का वोट होगा। और अभी मेरा 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉल जारी किया, दक्षिणी दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉल मेरा ही जारी हुआ है थर्ड जेंडर के रूप में। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर जी, ये जो पहचान का चुनाव है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, एक एक मिलने वाला वोट 25 मई को जब पिटारा खुलेगा तो देश के अंदर में ट्रांसजेंडरों का स्वाभिमान बढ़ेगा। 4 जून को जिस तरीके से जब जो रिजल्ट आएंगे, इस अगर दक्षिणी दिल्ली की बात की जाए तो इसका माहौल अब खराब करेगा, क्योंकि जो दोनों बड़ी भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ही जीत के दावे कर रही है, उसमें आप खेला कहीं ना कहीं खराब करने आ गए क्या इन दोनों पार्टियों का? आज मैं आपको एक वचन देता हूँ, जो व्यक्ति, जो ये दोनों पार्टी जिन्होंने अधिकार नहीं दिया, अगर इस चुनाव के समय में ही इन्होंने हमारे अधिकार देने की बात नहीं कही, तो आप देखिएगा जो भी हारेगा वो मेरे ही वोट से हारेगा, जितना वोट मुझको मिलेगा उतने ही वोट से वो हारेंगे, ये देख लीजिएगा। ये हम लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन जनता हम लोगों से प्यार करती है, जनता सब जानती है कि ये दोनों तो, और मैं तो इन दोनों से पढ़ा लिखा हूँ सर जी, और इन दोनों, ये तो दोनों ही अपराधी हैं, ये दोनों ही मारपीट वाले हैं, ये दोनों विधायक रहते हैं तो अपने क्षेत्र में काम क्यों नहीं करते, अब संसद जाना है इनको। हम लोग संसद जाएंगे और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करेंगे, दक्षिणी दिल्ली का नाम ऊंचा करेंगे, कि दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने पहली बार प्रेम और सम्मान देकर एक थर्ड जेंडर को संसद भवन